बिहार में दस्तावेज नहीं देने पर 36,000 शिक्षकों की जाएगी नौकरी। आपको बता दें कि नियोजित टीचर के लिए आज भर का मौका है। बिहार में 2006 से 2015 के बीच नियुक्त हुए 91,000 से अधिक नियोजित जांच के विशेष पोर्टल पर अपने दस्तावेज अपलोड किए हैं। इस तरह 36,000 नियोजित शिक्षकों पर गाज गिरना तय है। लेकिन अगर आज शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक दस्तावेज जमा कर देते हैं तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन समय सीमा पूरी होने के बाद दस्तावेज अपलोड न करने वाले सभी शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि नोटिस केवल औपचारिकता होगी। दरअसल दस्तावेज अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों को 36,000 नियोजित मान लिया जाएगा कि उनके दस्तावेज पूरी तरह फर्जी हैं। ऐसे शिक्षकों के खिलाफ न केवल प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी बल्कि उनसे अब तक दिए गए वेतन की वसूली भी की जाएगी। शिक्षा विभाग ने अपने एक आदेश में इस बात का साफ तौर पर उल्लेख किया है। ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने के लिए विशेष पोर्टल भी बनाया गया है। जिन 65,000 नियोजित शिक्षकों ने विशेष पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड किए हैं उनके दस्तावेजों की जाँच निगरानी विभाग 20 जुलाई के बाद से शुरू कर देगा। सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में विशेष रूप से उनके TET और शैक्षणिक दस्तावेज की विशेष जांच होगी, क्योंकि सरकार को इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है कि सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा इन्हीं दस्तावेजों में हुई है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 11 जुलाई तक केवल 10,500 शिक्षकों ने दस्तावेज जमा किए थे, लेकिन अंतिम हफ्ते में दस्तावेज जमा करने वाले शिक्षकों की संख्या 65,000 पहुँच गया है। लगभग 1,00,000 से अधिक शिक्षकों को दस्तावेज अपलोड करने थे, लेकिन इनमें से 10,000 ऐसे शिक्षक हैं जो या तो त्यागपत्र दे चुके हैं या उनकी मौत हो चुकी है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।